चंदौली से बजरंग बली तिवारी पत्रकार की खास रिपोर्ट। मतदान स्थल बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कहा नहीं दिया गया ध्यान तो मतदाता करेंगे मतदान का बहिष्कार। चंदौली गुलीपुर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तय होने के पश्चात ग्रामीणों में प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें लडुआपुर गांव के लोगों ने दलित बस्ती में उच्च प्राथमिक विद्यालय को मतदेय स्थल बनाने को लेकर SDM को पत्र भी सौंपा। उक्त संदर्भ में प्रदर्शन भी किया गया। गांव के मतदाताओं ने लडुआपुर मतदान स्थल बनाने की मांग करते हुए प्रदर्शन करते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने अवगत किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मतदाता मतदान का बहिष्कार करेंगे। आप अपना परिचय बताएं। मैं संजय यादव, ग्राम सभा लडुआपुर, जनपद चंदौली, अहमदाबाद ब्लॉक का रहने वाला हूं। क्या समस्याएं हैं आप लोगों के? लडुआपुर ग्राम सभा जो प्राथमिक विद्यालय यहां था, विगत दिनों किसी कारणवश इस्लामिया शकुराबाद जो मुस्लिम बस्ती में विद्यालय है वहां कर दिया गया है, और नया वोटर लिस्ट इशू होने के बाद हम लोग ये जानकारी प्राप्त हुई। और वहां उस बूथ का पुराना इतिहास रहा है, विगत वर्षों में इतिहास रहा है, उस बूथ पे छेड़छाड़ महिलाओं के साथ हुआ है, बूथ में पानी डाला गया है, ऐसी तमाम प्रक्रियाएं। इस संदर्भ में आपने उच्च अधिकारियों को क्या अवगत किया है? हमने DM साहब को अपने पत्र के माध्यम से हम लोगों ने उनको दिया था, जिन्होंने SDM को यहाँ बोला, और उसके बाद SDM साहब ने तहसीलदार को बोला है, और तहसीलदार साहब ने कह रहे हैं कि ये अब ये काम नहीं हो सकता है, इसकी प्रक्रिया के लिए आपको और समय लगेगा। ये फोटो कापी है DM साहब को जो दिया गया है, SDM साहब को जो दिया गया है, आप लोग उक्त प्रकरण के संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं और प्रशासन से किस तरह से सहयोग लेना चाहते हैं? हम प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि हमारा बूथ जहां है वहां वापस कर दिया जाए। यहां के लोगों की मंशा है कि हम वहां वोटिंग करने नहीं जाएंगे, इसलिए मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारा बूथ यहां वापस किया जाए, हमें स्वतंत्र छोड़ा जाए और हम लोग खुशहाली से अपना वोटिंग कर सकें। अगर नहीं होगा तो हम लोग वोट बहिष्कार करें। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रवि यादव है। क्या समस्या है आप लोगों के साथ? सर यहाँ बूथ का समस्या है। यहाँ पर हम लोग का जो है कि 2009 से वोट यहाँ पर पड़ रहा था, दो बार लोकसभा का पड़ा है, दो बार विधानसभा का पड़ा है, एक बार 2015 में प्रधानी का भी पड़ा है यहाँ पर। इस बार कुछ पैसा देकर या जैसे भी उन लोग यहाँ से ट्रांसफ़र करा लिए हैं। जो स्कूल इस्लामिया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वो सुल्तानीपुर में है, वो लडुआ ग्राम सभा में नहीं है। जो अपना वो लोग वोट जो है कि जो बूथ संख्या यहाँ 21-22 है, वोट देने में आप लोगों को किस तरह की समस्याएं होती हैं? या हमारे समस्या सर यहाँ से पहले दूर भी पड़ता है, दूसरी समस्या वहाँ दबंगई होता है, हिंदू बना मुस्लिम का हम लोग का संवेदनशील एरिया है। अभी यहाँ मलोखर कांड हुआ था, आप लोग को भी जानकारी है। अभी 2020 में 5 जनवरी को हिंदू बनाम मुस्लिम यही ग्राम सभा लडुआ और शकुराबाद में हुआ था, जबरदस्त हुआ था। जो उसका भी डर है कि वहाँ जाने के बाद हम लोग को जो कि अलग तरीके से लोग पेश आएंगे, जो कि जबरदस्ती करेंगे वहाँ पर बूथ पर। एक बार पुराना रिकॉर्ड है जो कि पानी जबरदस्ती डाला गया था, तो हमेशा वो लोग वहाँ जो कि ज़्यादा दल बल धन से हम लोग को दबाते हैं। तो हम लोग के यहाँ इच्छा है, पूरी गांव का इच्छा है कि यहीं पर वोट पड़ा, यहीं पर पड़े। आप अपना परिचय बताएं। लाल बहादुर, किस गांव के आप निवासी हैं? ग्राम सभा लडुआ के। क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? समस्या है भैया, 2009 से बड़ी मेहनत के बाद मैं यहां पर स्कूल लिया, उसके बाद बूथ यहां पर हमने डलवाया। अपने उच्च अधिकारियों से समझिए, चाहे नेताओं से, जिससे भी बड़ी आप वो मैं जानता हूं। 2009 से कैसे हमने क्या किया हूं मैं जानता हूं। ये दुख दर्द जनता के लिए मैंने किया, अपने लिए नहीं। और मैं यही शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि आप मेरी विनती को सुने। आपके क्षेत्र में जनता क्या चाहती है? हमारे क्षेत्र में जनता यही चाहती है कि हमारा बूथ ग्राम सभा लेड़ुआ दलित बस्ती में रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो हम लोग बूथ का इसका मतदान का बहिष्कार करेंगे। क्यों आप लोग मतदान का बहिष्कार करना चाहते हैं? बहिष्कार करने का क्या हो सकता है? उसका कारण यह है, 2019 में लाल बहादुर यादव के लड़के और उसकी बीबी और बच्चे को वो लोग मारे हैं।
वो ये हुआ है आपको लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद ये नंदलाल के घर के लड़कों औरतों को 2020 में मारे हैं ये लोग जो है दबंगई के में जो है, तो इसलिए हमारा गांव जो है वहां नहीं जाना चाहता है। आपसे मेरा शासन प्रशासन से विनम्र करबद्ध प्रार्थना है कि आप मेरी विनती को सुने, नहीं तो हम लोग वोट का बहिष्कार से लगातार कोई भी चुनाव पड़ा है यहाँ पड़ा है। और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं क्षेत्र में, यह हमारे दर्शकों को अवगत करें। देखिए समस्या ये है कि अगर वहाँ पे इलेक्शन हुआ, इस बार वोटिंग वहाँ होगी, तो वहाँ हिंदू बनाम मुस्लिम का दंगा हो जाएगा, जो हम लोग नहीं चाह रहे हैं। अगर मेरा कर्तव्य निवेदन है सरकार से, प्रशासन के लोगों से, कि हमारी विनती सुनी जाए और हमारा बूथ हमें वापस कर दिया जाए। यही पूरे ग्राम सभा से के लोगों का भी कहना है कि हमारा बूथ हमें वापस मिले।